बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। Assalamualaikum जनाब, वेलकम टू बोल नाइट्स विद एहसन खान। आई होप एवरीथिंग एंड एवरीवन इज गुड। सब बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है और खैरियत से हैं। काफ़ी नई नई चीज़ें पता लगती रहती हैं। एक चीज़ जिसको मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगा बार बार, ये जब हम न्यूज़ सुनते हैं कि छोटे बच्चों के साथ जब भी कोई ऐसी खबर आती है कि उनके साथ ज़्यादती की गई है या उनको मार दिया गया है, तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दिल दुखता है। Although my show is about entertainment, but I don't know, I just can't let it go. Because वो सर पे इतना सवार होती हैं ये चीज़ें, और ज़ाहिर है एक किसी भी बाशूर शहरी को ये बात जब पता लगती है कि कोई शहर में, मुल्क में कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, तो naturally वो discuss करता है और बात करने से जो है वो बात खुलती है, फैलती है, बात होती है। तो ये बातें बड़ी ज़रूरी हैं कि हम देखें, ज़रा आंखें खोलें। आजकल बहुत यंग बच्चे बच्चियां जब सड़कों पे अकेले होते हैं, किडनैपिंग होती है, फिर बहुत सी जगहों पे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मदारिस में या कहीं स्कूल में या घर वालों के साथ ही आप अनसेफ हैं। तो इसके इसका हल तो आई डोंट नो, ये तो शायद हमेशा से इस तरह होता आ रहा है, बट हल की कोशिश हमें ही करनी है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अपने तौर पर हम लोग क्या कर रहे हैं एज अ पेरेंट, एज अ नेबर, एज अ रिलेटिव ऑफ समबडी, और जो जो आपके इर्द गिर्द बच्चे हैं, थोड़ा सा अगर हम नज़र रखें बच्चों पे। और ये जो एक रवाज है कि बच्चों को अकेले भेज देना, जाहिर है इतनी ये तो एक नॉर्मल बात थी कि बच्चे निकलते हैं, मोहल्लों में भी सिक्योर हैं, वन फील्स सिक्योर इन देयर ओन एरियाज, बट नाउ डेज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, और मुझे बड़ा इस चीज़ का एक धचका लगता है। तो मैं तो सिर्फ बार बार इस पर आवाज़ ही उठा सकता हूँ और कोशिश हम कर सकते हैं। ज़ैनब बिल एक पास हुआ जो कि बड़ा एक पॉजिटिव बात है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल्स इज़ ऑल्सो वट एवर इट इज़ जस्ट सेड, इट डजेंट यू नो लाइक हैपन, तो हम उम्मीद कर सकते हैं। बाकी यह है कि चीज़ें चल रही हैं और काफ़ी जो इंटरनेशनल न्यूज़ में एक पढ़ा था उसमें एक बड़ी ख़तरनाक, देखिए आप बोलेंगे ये एहसन के शो में कैसी खतरनाक बात करें, क्योंकि मैं आई एम वरीड अबाउट पीपल, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस। एक नया वायरस जो है वो चाइना में उन्होंने देखा कि जी नया वायरस बहुत ज़्यादा है, तो चाइना की जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन है उसको रोक दिया जा रहा है, नॉट ऑल टुगेदर, बिकॉज वो इतना स्प्रेड कर रहा है, उसका कोई क्योर नहीं है। एंड फ्लू और चेस्ट कंजेशन और सांस का प्रॉब्लम होता है, और वो उसके बाद पता चलता है कि जी यू कांट सर्वाइव, और बहुत से केसेस जो हैं वो निकले हैं। और ये एक ऐसा टाइम है कि जब पूरी दुनिया से जितने भी चाइनीज़ लोग हैं वो चाइना जा रहे हैं टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर, एंड वहाँ पे गॉड फॉरबिड दे कम बैक टू डिफरेंट कंट्रीज़, और कितना स्प्रेड हो सकता है, उसका इलाज अभी फ़िलहाल नहीं है। और फिर मैंने एक और डिटेल ये पढ़ी कि जो रॉ फूड खाते हैं, लाइक आपको पता है चाइनीज़ बहुत सी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो जिनको डेलिकेसी समझा जाता है, हम तो बहुत उससे घबराते हैं, बैट जो चमगादड़ जिसको कहते हैं, उसके सूप से मैंने सुना कि ये जो डिज़ीज़ है रॉ यानी सही तरह पका नहीं हुआ, तो और फिर स्नेक का कोई मीट जो इस तरह की प्रोटीन खाने से, तो हम तो मैं शुक्र अदा कर रहा था कि हमें तो अल्लाह ताला ने, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बताया क्या हलाल है क्या हराम है, किस तरह खाना है, किस तरह ज़बह करना है, और हम कितने खुशकिस्मत हैं। लेकिन जनाब एक्सपोजर जो है आजकल इतना ज़्यादा है, एयरपोर्ट्स पे, ट्रैवलिंग पे, इधर उधर, तो अपना ख्याल रखिएगा, एहतियात रखिएगा। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बड़े प्यारे मेरे दोस्त हैं, दोनों मैं दोस्त मेरे से तो बहुत सीनियर भी हैं, बड़ी इज्जत की जगह है मेरी, लेकिन दोस्त इसलिए कि बेहतरीन लोग हैं, दिल के प्यारे इंसान भी अच्छे, और उनका काम देखे तो वो भी अच्छा, यानी दे आर इम्प्रेसिव इन एवरी वे। आई रियली एडमायर देम, आई रिस्पेक्ट देम, आई लव देम, एंड आई जस्ट विश के पाकिस्तान में इसी तरह के जब आर्टिस्ट होते हैं तो फिर आप फ़ख्र से कह सकते हैं कि यार ये आर्टिस्ट, ये वो लोग हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे कंपीट कर सकते हैं किसी के साथ भी। तो जनाब पहले हम देखेंगे एक पैकेज और फिर बुलाएंगे इन एक्ट्रेस की कौन सी है? पहले हम बुलाएंगे हमारी आपकी बहुत प्यारी सकीना समो।
आफ्टर एजेस, हाँ वी मेट आफ्टर लॉन्ग. हम एजेस इसलिए कहते हैं कि अगर एक साल भी गुजर जाए वो हमारे लिए एजेस है. यहाँ होना चाहिए, हर बार, हर बार. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक. गुड टू सी यू. गुड टू सी यू. मैं बताऊँ, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक तो सब ने आपको हमेशा देखा बहुत अरसे से आपके डिफरेंट डिफरेंट काम में, और फिर आप यूके शिफ्ट हो गई. मैं आई मेट हर किड्स यू नो, एंड माशाल्लाह मैं इतना एक बात से खुश और इम्प्रेस हूँ कि आप अपने बच्चों को इतनी ज़बरदस्त जगह पढ़ाया, इतनी ज़बरदस्त एजुकेशन दे रही हैं. और ये एक बड़ी इंस्पिरेशनल चीज़ है कि यू योर सेल्फ हैव पुश्ड योर सेल्फ ऑल्सो टू डू समथिंग मोर एंड टू योर किड्स एज वेल. सो वेन ये कब आपके जहन में स्ट्राइक हो कि नहीं यार अब ये नहीं, मुझे कुछ और भी करना है? बच्चों को तो मैंने जिस जगह पर हैं मैंने नहीं, अल्लाह की ज़ात ने पहुंचाया है. बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से जो है उन्होंने डिग्रियां ली हैं. अभी भी रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट से, लंदन से बेटा जो है वो आर्किटेक्चर पढ़ रहा है, मास्टर्स कर रहा है. yes. और छोटी वाली जो है वो किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से जो है फिलोसफी में. okay. She's a little philosopher now. okay. तो जर्नलिस्ट है, अभी उसकी पहली नौकरी मिली है उसको. okay. और बड़ी वाली ने जो है रॉयल हॉलवे कॉलेज से जो है उसने मीडिया में डिग्री ली. ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकी, हमारे सरकमस्टांसेस कुछ और थे व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इन सेवन शरीफ. लेकिन अल्लाह ताला ने देखे कैसे कॉम्पनसेट किया. यस, आई मीन मेरे बच्चे जो हैं, अगर मैं कभी गलत भी अंग्रेजी बोलूं तो कभी भी जो है कभी भी अनकाइंड लफ्ज़ नहीं बोलते हैं, ना किसी को जो है मजाक उड़ाएंगे किसी का या किसी की अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, बल्कि इनक्रेज करेंगे. अगर कोई भी चीज़ होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कोई ड्राफ्ट बनाने हैं या कोई ईमेल भेजना है या कोई सबटाइटल हो रहे हैं फिल्म्स के, तो मैं अपने बच्चों से क्या तीनों को दिखाऊंगी, एक को दिखाऊंगी, सबकी अलग अलग अंग्रेज़ी स्टाइल है, तो मैं फिर बेटे को दिखाऊंगी, वो कुछ और कहेगा, फिर छोटी वाली को कहूंगी, मैं कहूंगी तुम्हारी अंग्रेज़ी ज़्यादा पोएटिक है, मुझसे मिलती जुलती है. okay. तुम देखो, चेक करो. okay. तो बहरहाल ये है अल्लाह की मेहरबानी से जो है जो कुछ जो चाहा वो सब. बिल्कुल सही है, अल्लाह ताला की मेहरबानी बहुत ज़रूरी है. लेकिन इंसान की कोशिश भी अल्लाह देखता है कि आप किस तरफ अपनी डायरेक्शन लेके जा रहे हैं. यू कैन चूज एनी वे यू वॉन्ट टू, इट्स योर चॉइस. अच्छा जनाब, हमारे नेक्स्ट गेस्ट भी हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, आपके बहुत प्यारे दोस्त हैं, और ही इज़ ए वंडरफुल एक्टर. और एक प्ले में वो ज़रा जल्दी गायब हो गए, मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है जब स्क्रीन पर आते हैं, बड़े कमर्शल्स में भी नजर आते हैं. क्या बात है उनकी, तो उनको इन्वाइट कर देते हैं. पैकेज देख लें, पहले पैकेज देख. प्लीज़ वेलकम मोहम्मद अहमद. इसका मीटर उल्टा चलता है सकीना, मैं हैरान हूँ कि ये, मैंने कहा अगर मैं एहसन के बारे में कोई मुझसे पूछे कि भाई आप किस नाम से पुकारेंगे, तो मैं कहूँगा ये मर्दों की मानूर बात. क्योंकि एक ये हो गए, एक बहरो सब्जवारी हो गए. अच्छा, बूढ़ा होने का नाम ही नहीं ले रहे. और यहाँ मीटर ऐसा दोहरा चल रहा है डबल रफ्तार से कि दादा क्या, आप तो परदादा के कैरेक्टर्स भी ऑफर होने लगे. माशाल्लाह माशाल्लाह. अब वो ये है कि मैं तो मतलब इतनी भी, अब आप मुझे पुराना ना समझे कि आप समझे कि मैं बूढ़ा हो जाना चाहिए मुझे. नहीं, तुम्हारी सुई तो अटक गई है 28 पे, 28 से आगे. I'm not 28. My age is out on Google everywhere. आपको लग रहा हूँ 28 का, थैंक यू वेरी मच. नहीं भाई, मैंने जब तुम्हें देखा था पहली दफा, मैंने तुम मूवी में देखा. ठीक है. और मैंने ये देख के तुम्हें कहा था कि भाई ये पहली दफा आया है हमारा हीरो, हु कैन डांस, हु कैन एक्ट, एंड ही इज माशाल्लाह गुड लुकिंग टू, तो ये बहुत काम करेगा. फिर मूवीज पे जवाल आ गया, तो फिर ऐसन मेरा ख्याल में अब टीवी पे आ गया. अब अल्लाह का शुक्र है जब टीवी पे जवाल आ रहा है तो तुम वापस मूवी की तरफ जा रहे हो. वेरी इंटेलिजेंट माशाल्लाह. कुछ लोग होते हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ अकलमंद भी होते हैं, मगर ये वाले जरा कम होते हैं. नहीं, ऐसा के पास अकल है. कितना अच्छा बोलते हैं ना, अभी आपने देखा कि कैसे बोलते हैं ये जो राइटर होते हैं ना. वो ऐसे ही अच्छा रुमाल में, हां लपेट के, रुमाल में लपेट के. गुड गुड, आई लाइक इट. मैंने तो अच्छी बातें की तुम्हारे, बहुत अच्छी. आई एम लविंग इट. अच्छी की, लेकिन फर्क अंदाज में की है. अच्छा, वो प्ले में आप जल्दी चले गए यार, हमें तो बड़ा आपका मजा आ रहा था. क्या बात यूँ है कि जब मुझे कास्ट किया जाता है तो मेरा पहला सवाल होता है कौन सी एपिसोड में मरना है. तो मेरा तजिया मैं तुम्हें बता दूं कि राइटर को पता चल जाता है कि जी अब रेटिंग गिरने वाली है तो मार दो. मैं बताता हूँ, चौथी एपिसोड में मरेगा. उसके बाद अगर चौथी से बच गया अगर, तो फिर वो मरेगा आठवीं में. उससे ही बच जाए तो बारहवीं में मरेगा. कौन? कोई बाप? अच्छा ठीक है. बाप होता है इसीलिए, उन्होंने रखा होता है साइड पे
कि भाई कौन सी एपिसोड है मारे, जहां रेटिंग गिरी वहां आप गया, ठीक है। दूसरे ये कि भाई अगर हीरोइन कम मजलूम लग रही है, हाँ। भाई नहीं आ रहा उसको रोना, हाँ। ना उसके साथ वो वाले सारे जुल्म हो रहे हैं जो हर दफा हो चुके हैं, अब वो किस तरह वेरिएशन देगी, अरे यार मजा नहीं आ रहा, रोज सही नहीं रही है, बाप 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 को मरने पे हीरोइन को इजाजत है कि जी पछाड़े खा खा के रोए, तो वो सीना पीट पीट के भी रो सकती है, वो डोले पे सर मार मार के भी रो सकती है, तो इसलिए बाप को लिया जाता है कि बाप को मारना है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अगर इस वक्त आप देखें तो एक ही सीरियल है जिसके अंदर मैं मरूंगा नहीं आखिर वक्त तक, मैंने कहा था नहीं इसमें नहीं मरना मुझे, वो कौन तो सा? मैं अहद वफा, उसमें मैं जिंदा हूँ और जिंदा ही रहूंगा, ठीक है। बाकी जितनी भी देखोगे चौथी से लेके अठवारी तक मनहूस रहती है मुझ पर। नहीं, केक में तो नहीं मरे थे। नहीं देखो केक में मैं मरते मरते बच गया, वो मर गई। हालांकि खवातीन की उम्र ज्यादा होती है। अच्छा लेकिन ये रियल लाइफ भी मैं भी तो जिंदगी में होता ही है ना यार, कोई ना कोई तो चला ही जाता है ग्रेजुअली फैमिली भी दुनिया में, तो अगर ड्रामे में दिखा दो। हाँ मगर अलमिया ने ये चौथी बारहवीं और अठारहवीं किस्त ना रखी हुई, मुझे लगता है पूरा शो अच्छा मैं ये बताऊं कि जब मुझे ये मुझे नहीं पता था इतना हंसाएंगे आज, जब ये आया मेरे पास कॉल, मैंने फौरन पूछा कि मेरे साथ कौन है, तो ये वाहिद मौका मुझे मिला है सकीना के साथ, वरना ये वादे करके मुझे ऐसा मुकर जाती है ना। आपको मैं ले रही हूँ सीरियल में और उसके बाद मोहम्मद अहमद का जिक्र किया ही नहीं, सीरियल मुझे कोई काम ही नहीं देता, लोग काम ही नहीं देते हैं। एज अ डायरेक्टर की बात करें ना, एज अ डायरेक्टर एज अ एक्टर काम ही नहीं देते हैं। नहीं ये नहीं होता, आप करती नहीं है, मैं आपको एक तो ये पैसे मैं आपको बता रही हूँ, नहीं मैं शो पे बता रही हूँ, नहीं मैं क्योंकि सारी लॉबियां है, सारे कोई लॉबी नहीं है, हमने वादा किया सुने कोई कंट्रोवर्सी नहीं यार, लेकिन ये स्टेटमेंट देनी है मुझे बाप बताएं, सिर्फ लॉबियां चलती हैं, सारी फेवरेटिज्म चलता है, आई एम सॉरी फेवरेटिज्म चलता है, लॉबियां चलती हैं। ओके आई वुड जस्ट लिसन टू यू बट आई वुड आल्सो से लाइक लेकिन मैं आपको अपनी फिल्म ले लूंगी, मैंने सोचा हुआ है, मैं आज शो पे कह रही हूं। भैया इसी जिंदगी में ले लेना, वरना कि तुम्हारी फिल्म के चौथे मिनट में ना चला जाए, मेरी फिल्म बार बार अठारह मेरी अब पहली फिल्म आ रही है, सेकंड फिल्म तैयार है, मेरी भी सुन ले एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो जैसे आप हैं अब ये हैं, और इनके लिए कोई जनरली कोई ऐसे कैरेक्टर तो नहीं दे देगा कि आप ड्रामे में कोई माँ है, या क्योंकि ये लोग खुद भी पूछते हैं कि हमारे कैरेक्टर में क्या करने को है, खुद करते नहीं है कि नहीं कुछ सब्सटेंशियल होगा तो करेंगे, अब हर प्ले में या हर जगह पे तो माँ बाप का कैरेक्टर पे फोकस नहीं होता, ऐसा नहीं, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू से दैट, नो इट्स नॉट लाइक दैट, नहीं फेवरेटिज्म है, लॉबियां हैं, सब एक्ट्रेसेस की अपनी अपनी लॉबियां बनी हुई हैं, मेरी नहीं है यार, मुझे तो नहीं आज तक पता चला कोई लॉबी, मुझे भी ऐसा नहीं लगा, नहीं लगा ना आपको, नहीं लगा, लेकिन मेरे हमारे लिए है, अच्छा है तो है, ठीक है हम अपने टर्म्स पे काम करेंगे, ठीक है जितना भी काम अल्लाह ताला ने हमारे नसीब के लिए लिखा है वो हमारे पास ही आएगा। अच्छा अपना फेवरेट प्ले तो बताएं आपका, जो आपने खुद किया और आपको लगता हो कि ये मेरा टिल डेट फेवरेट ड्रामा है, भले वो पुराना हो नया हो, जो आपको लगता है कि आई थिंक स्टेटमेंट वाइज अगर कहा जाए तो हवा की बेटी, ठीक है वो अच्छा था, हाँ, मतलब उसमें कोई मैसेज सब्सटेंस, ऑफ कोर्स, ओके, मतलब अभी भी यही बात है कि अगर काम करना है तो देखिए ना एंटरटेनमेंट मीनिंगफुल काम होना चाहिए, कोई थॉट प्रोवोकिंग काम नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों को जलील करके नहीं, आप लोगों की इन यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इनकी इनकी इनके पीछे एक एक कहानी है, जो ऐसी कहानी है जो आप उनके जो ना बिल्कुल लेयर के ऊपर लेयर है, तो हर इंसान एक कहानी लिए घूमता रहता है, तो हम क्यों ना लोगों की इस्लाह के लिए मतलब मीनिंगफुल काम करें, क्योंकि हमारा स्कूल जो है वो शुरू से यही रहा है, सत्यजीत रे एंड श्याम बेनेगल एंड अब्बास कियारोस्तामी एंड असगर फरहादी एंड इस किस्म का स्कूल है जो रियलिस्टिक सिनेमा है, जिसमें मैं बिलीव भी करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बोरिंग सिनेमा है, इसका ये मतलब है कि थॉट प्रोवोकिंग है, कम से कम हम लोगों को सोचने पे, हम उनको कुछ दे नहीं सकते, सिखा नहीं सकते, लेकिन सोचने पर तो मजबूर कर सकते हैं ना, जब सिनेमा से निकलें तो कुछ तो सोचें ना, आपने कुछ उनको दिया है तो अगर एग्जैक्टली तो आप इतना पैसा भी लगाएं, इसलिए हमने सोचा हमारे मुझे तो कोई पैसा नहीं देगा इस किस्म का कोई स्क्रिप्ट करने के लिए, कोई भी नहीं देगा, उन्होंने कहा तो शशके चाहिए, इसमें एक्टर कौन है, इसमें हीरो कौन है, और इसमें नाम क्या है, इसमें लड़की कौन है, इस लड़की की उम्र कितनी है, जिससे इस किस्म के सवाल आते आते हैं, तो मैंने कहा मुझे तो फिल्म बनानी है लेकिन अपने टर्म्स पे बनाऊंगी, चाहे लो बजट हो लेकिन अपने टर्म्स पे बनाऊंगी और रियलिस्टिक सिनेमा ही बनाऊंगी, क्योंकि जिन कैरेक्टर्स के लिए जिन लोगों के लिए मैं केयर करती हूँ उनके ऊपर बनाऊंगी और उन्हीं के लिए बनाऊंगी, ताकि लोग थोड़ा सा कुछ
ये ऐसे है ना कि मतलब वो जो रवायती चीजें छोड़ के तो कोशिश करना, उसके लिए और बहुत सारे लोग हैं, ये किसी हर इंसान का अपना एक विजन होता है। सो ये फिल्म इज कंप्लीट नाउ ना माशाल्लाह, जी जी जी, एंड या कब हम देख रहे हैं वो फिल्म? रिलीज डेट भी आ गई है। अच्छा कब? लेकिन अभी मैं नहीं बता सकती। नहीं बता दें यार, नहीं फायदा होगा, बता दें मुझे पता लग जाएगा, फिर हम सबको रोज बताऊंगा मैं तकरीबन अंदाजन आई थिंक 23rd मार्च वो हंस रहे मेरी बात पे कि मैं लोगों को रोज बताऊंगा। मैं तो आपकी फिल्म को खुद देखने आऊंगा क्योंकि मेरे फ्रेंड हो। मैंने स्क्रिप्ट भी पढ़ा और बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट है, मैं डिटेल्स नहीं दूंगा ऑब्वियसली, बट आई एम वेरी श्योर कि You've done a wonderful job. Uski picturization bahut khoobsurat hogi and I'm looking forward to it. All the luck. At least message to hai na usko. Yeah, and all the luck to you for the film. All the luck. Thank you. Kisi project pe kaam ho raha hai aajkal? Ji bilkul, script ready hai jo main Mohammad Ahmed sahab ko bhi keh rahi thi. Has pe riwayat. Ha, nahi bilkul. And bhul jayenge. Dekhte Sadia ko, Sadia Jabbar ke paas jab maine kaha tha aapko lenge play mein, wo humne play hi nahi kiya. Sadia ne kaha Ahmed sahab ko lete hain saath acting bhi karenge. Wo play hi nahi ban saka jis pe baat ho rahi thi. और उसके बाद मैंने कोई प्ले नहीं किया। अच्छा आप तो मतलब एक्टिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आप लिखते भी बहुत अच्छा है, कुछ लिख रहे हैं आज? नहीं नहीं लिखता बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो तो मुस्तनद हो गई ना बात, कैसी बातें कर रहे हैं। नहीं लिखते अच्छा है? अरे नहीं भाई, मैं चैनल वालों से पूछे वो कहते हैं बहुत बुरा लिखते हैं, आउटडेटेड है, आपको लिखना नहीं आता। मैंने लिखा छोड़ दिया। यार ऐसे नहीं बोले आप, ये यहाँ से कुछ सच बोलो तो तुम्हें यकीन नहीं आता। शायद फार्मूले के अंदर नहीं होता होगा ना, ऑफबीट लिखते हैं, हमें नहीं चाहिए, आर्टिस्ट लगता है बहुत ज्यादा। लास्ट कौन सा प्ले लिखा आपने? लाला बेगम था मेरी जब्बार का, शायद बहुत अच्छा था। उसके बाद अब जाके वो एक और है जो 9 साल से खबर में पड़ा हुआ था, तो गड़े मुर्दे फाड़ के दोबारा लिख रहे हैं, तो आज अपिया उसका नाम है, वो लाइट मूड सीरियल है, आज़र की आएगी बारात के पैटर्न पे। कितना जबरदस्त था आज़र की आएगी बारात, आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट। अच्छा एक कदम लिखा था, आज़र की बारात में। अब एक चीज बताएं, क्या आपको लगता है कि मुख्तलिफ है कि आप जो नहीं लिखते तो लोग नहीं ले रहे? भाई बात यूँ है कि मैं औरत को अगर रुलाता हूँ तो उसकी वजह होती है, बगैर वजह की रोना नहीं शुरू करती। अच्छा। वो किसी के मरने पे इस तरह नहीं रोएगी, जिस तरह से मैं ना तलाकों पे इतना वो करता हूँ बिलीव, ना मैं सासों पे इतना, क्योंकि मैं ग्रे एंड ब्लैक एंड वाइट पे बिलीव नहीं करता, मैं ग्रे पे बिलीव करता। ग्रे भी होता है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो मैं उस तरह से औरत के साथ नहीं कर सकता जिस तरह से हमारी रिवायत बन गई है कि औरत को मजलूम ही होना है, वो मैं नहीं कर सकता, तो शायद ये वजह है। अच्छा आपको ये नहीं लगता कि हम ये जब बात करते भी हैं लेकिन लोगों को, अवाम को पसंद भी बहुत वो आती है इस तरह की चीज़ें, तो देन नेचुरली व्हाट एक सर्वे जो होता है उसके हिसाब से जो ऑडियंस को पसंद होता है वो चाहे सोशल मीडिया पे हो, बहुत एक स्ट्रॉन्ग बात कहूंगा, मुझे पता है तुम उसे काट दोगे कि वो ऑनलाइन नहीं जा पाएगी, मगर आवाम में हमारी यहाँ पोर्नोग्राफी देखने में सबसे ज्यादा रैंकिंग है माशाल्लाह। हाँ, तो आप वो तो नहीं दिखा सकते, तो आवाम तो पोर्नोग्राफी देखना चाहती है, आप दिखा लीजिए। नहीं एक तरह की आवाम, घरेलू खातून जो ड्रामे देखती है, बात करना। देखो आई अग्री विद यू 100%, बट देन वुमेन एट होम डोंट वांट टू वॉच पोर्नोग्राफी, सो दोज आर द मेन ऑन द नेट हु वॉच इट, दे वॉच अ लॉट ऑफ पोर्नोग्राफी। आपका ख्याल है कि मेरे पास आपका नंबर 1 आया है पाकिस्तान, सॉरी गूगल पे, बट मैन ना, बट खवा, हाउ डू यू नो इसका रेशो तो ऐसा ही है कि नहीं, उस पे लिखा आता है कि सब मर्द देख रहा है या सब औरत देख रही है, ये भी होता है, ये भी सर्वे होता है। मैं नहीं, आई डाउट इट, ये सारे लड़कों के काम है। ये देखा ये सारे फ्रस्ट्रेटेड लड़के। मैं तो खैर बहरहाल मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, जब आप कहते हैं कि आवाम जो है वो ये देखना चाहती है, आवाम में इस वक्त जितना नशा कॉमन हुआ हुआ है हमारे यहाँ, ड्रग्स, आवाम तो वो भी मांग रही है, सप्लाई शुरू कर दें। आपकी क्या, आप पे क्या फर्ज है? बिल्कुल, कि एक अच्छी चीज पहुंचाना लोगों तक, है ना, उनको वो आदत ना डाले ना। बिल्कुल, आप लोगों ने तो आदतें डाल दी। बिल्कुल, और तलाकें और रेप दिखा दिखा के इतना पत्थर दिल कर दिया कि सड़क पे लाश पड़ी होती है, आप साइड से गुजर जाते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई एग्री। अब क्या होगा? आई टोटली एग्री टू दिस, यस। एक और बात है, जहां तक मुझे लगता है, देखो हमारे ही अपने बिजनेस में जेलसीज बहुत है, हम किसी और की कामयाबी भी खुश नहीं होते। ठीक, जिस वक्त मुझे लगेगा ऐसा तो बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए, मैं तुम्हारे बारे में कोई ऐसा शोशा छोड़ दूंगा कि तुम्हारी बनी बनाई इज्जत जो है वो भी खाक में मिल जाए, मेरी कोशिश होगी। कोशिश करते हैं लोग, हाँ, सीढ़ी खींच लें भाई। आप माने कि एक सीरियल सक्सेसफुल है, उसकी रेटिंग इतनी है, बट कोई कुछ भी कर ले उसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इज्जत और जिल्लत तो इंसान के खुदा की तरफ से, अल्लाह का शुक्र है कि खुदा के हाथ में, वरना क्या हाल होता। और अगर अल्लाह ना करे रोटी अल्लाह या ये इन बंदे दिया करते तो मैं तो फाको मर रहा होता। बिल्कुल, मैं भी आपके साथ, मैं भी आपके साथ,
बिल्कुल बकबक करने वाला. अच्छा, do you like doing comedy also? Comedy. I love comedy. आपकी comedy timing बहुत जबरदस्त है, आपकी भी. I love comedy. है ना? लेकिन कुछ अच्छा कॉमेडी में होता नहीं है हमारे यहाँ, कम होता है. आप क्या कहेंगे? आपने देखा है कुछ अच्छा कॉमेडी? मैं तो देखती हूँ. खबरें नहीं देखते? हाँ, अब उसमें हम एक्टिंग नहीं कर सकते ना, बात ये. वो इतने बड़े एक्टर्स हैं, वो हमसे कहीं ज्यादा हैं यार. अब कौन? सारे सियासतदान. इसलिए मैं कहती हूँ पॉलिटिकली किसी सब्जेक्ट को टच नहीं करना है. कॉमेडी, आई मीन डेली मैं तो खबरों पे हंसता हूँ. नहीं, अच्छा, उसमें से फेवरेट एक्टर कौन है आपका? ये नहीं बताऊंगा. ये देखे आधी आधी बात करेंगे, ये नहीं बताऊंगा. तो बिल्कुल ही मरवा दो मुझे. मेरा जितना थोड़ा बहुत फ्यूचर है वो भी खत्म. अगर हमने नाम ले लिए, मेरे फेवरेट जो सियासतदान बड़ा मुझे फनीली कॉमिकली वाइज उस तरह से अच्छे लगते हैं, वो शेख रशीद हैं. सारी दुनिया उन्हीं पे आती है आखिर में. अच्छा, क्योंकि मुझे यूँ लगता है कि उनकी कॉमेडी में सेंस होती है, उसके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री होती है. हाँ. तो अगर आपको वो पता हो तो आपको हंसी आती है कि हाँ, वो क्या कर. और वो आदमी ऐसा है कि वो कहता भी बर्मला है. हाँ. जरा नहीं झिझकता. तो आप और इसके अलावा असल कॉमेडी कौन कर रहा था बता दें आज प्लीज. प्लीज नहीं. अच्छा ठीक है, ये बताओ ये खाने वाले हैं या इसके ऊपर स्प्रे? बिल्कुल सही है. नहीं, स्प्रे नहीं किया हुआ. आप कौन से, ये आपके स्प्रे कहाँ होता है आजकल? होता है? नहीं. अरे भैया, एक केले के चार टुकड़े देते हैं. यह हालत हो गई है इंडस्ट्री की. एडवर्टाइजर से जाके हमने पूछा, भाई तुम पैसे नहीं देते हो क्या? क्या वो लोग कह रहे हैं चैनल वाले कि हम एडवर्टाइजिंग वाले पैसे नहीं देते, तो इसलिए हम एक्टर को पैसे नहीं दे रहे. उन्होंने तो कसमें खा ली अपने माँ बाप की, अल्लाह की कसम हम पूरे पैसे देते हैं. तो लोगों ने रोक लिया. तो सर नहीं, ये देखिए मैं आपके सामने खा के दिखाता हूँ. हाँ, ये खा के दिखाया. ये अच्छा है, ये अच्छा. बिस्किट्स खा सकते हैं, कुछ और ना खाइए. नो, आल्सो सैंडविच. नहीं, सैंडविच नहीं खा सकते. बहरहाल मैं बता रहा था कि हाल ये हो गया. Being nice to you, don't assume that we've sprayed on this. Nee, hopefully not. But ये कि अच्छा, ओके. भाई बात ये क्या है, ऐसा एक बात सुनो. मुझसे क्यों नहीं पूछा कि हम, मैं कैसी फिल्म बनाऊंगा? आप भी बनाएंगे? मैं आ रहा था आपके पास, है ना. चलिए आप बताइए बताइए. आप कैसी फिल्म बनाएंगे? हाँ, ऐसे खैर बनाने की नौबत ही नहीं आएगी, लिखने की आ जाए. बड़ी बात है. ये उन्होंने मुझे कहा था ये सवाल करो, आगे से खुद ही जवाब दे दिया कि बनाने की. बनाऊंगा तो खैर. मेरी फिल्म के अंदर तमाम गाने होंगे, तमाम एक्शन होगा, और आवाम जो देखना चाहती है वो भी होगा. बिकॉज हाँ, शिश के भी होंगे. आई डोंट बिलीव इन पैरेलल सिनेमा अभी फिलहाल. बात क्या होती है उसकी वजह ये है कि आपने क्या करना होता है आवाम को, जैसे अपने तलाकों पर और इन चीज़ों पर ला के उनको इस तरह का कर दिया कि वो सिर्फ आप रेप देखना चाहते हैं, वही देखना चाहते हैं. ऐसी आवाम को सिनेमा की तरफ लाने के लिए आपको पहले ऐसा सिनेमा बनाना पड़ेगा जो वो देखना चाहते हैं, विथ टेस्ट. राइट, ठीक है. आई एग्री. क्या रोमांस पहले नहीं होता था? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा होता था. तो सिर्फ अब उसका क्या है कि मैार थोड़ा सा आपको बुलंद करना पड़ेगा. सही. यंग लोगों से लिखवाइए, अब आप मेरे जैसे खांगड़ बुड्ढों से नहीं लिखवाइए. क्यों नहीं, एक्सपीरियंस. ताकि क्या होगा कि वो फ्रेशनेस आए. एक्सपीरियंस का कोई तोड़ नहीं. एक्सपीरियंस का. लोग सिनेमा देखने के आदि तो हो जाएं. बिल्कुल. केक रिलीज हुई लोगों को जौहर में, नाजमाबाद में, गुलशन में, पता ही नहीं कि केक रिलीज हुई, क्योंकि जितनी भी मार्केटिंग हुई उसकी अंग्रेजी में हुई. एक चीज अंग्रेजी में की, मोहम्मद अहमद साहब अंग्रेजी में क्यों की मार्केट? हमारी जुबान तो उर्दू. एग्जैक्टली. यहाँ की फिल्म तो उसकी मार्केट अंग्रेजी में क्यों की? अब ये पी आर कंपनी आपकी जो अंग्रेजी चला रहे हैं ना, आपकी जितनी बड़ी बड़ी पी आर कंपनीज है. देखो बात ये है, उर्दू फिल्म को बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसा तो नहीं है. खैर, अंग्रेजी बड़ी अहमियत की हामिल है शो बिजनेस में भी. है लोगों के इंप्रेशंस. आई मीन हमारा एक टिपिकल. नॉट ओनली दैट. नहीं, इट इज भी. अगर एक लड़की आती है और वो अंग्रेजी जानती है और थोड़ी बहुत अदाओं से भी वाकिफ है, तो उसकी फी में और हमारी फी में जमीन और आसमान का फर्क है. अच्छा, उस लड़की को वो तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी जो 7-स्टार होटल में होती है. मैं और सकीना चूंकि गुरबत से देसी हैं, देसी हैं हम, तो हम सेट के किसी कोने में पड़े होंगे. जैसे मैंने कहा, यार दिस टू मच. नो, दिस जस्ट स्टॉप सेइंग दैट. ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल. एक मिनट, आप इस सेट के किसी कोने में पड़े हैं अभी. आप लोगों की इज्जत नहीं. यहाँ कोई ड्रामा हो रहा है? नहीं तो क्या, इट्स ऑल, इट्स ऑल दैट. तो बात करें, डोंट से दिस. यू गाइस आर ऑन अ सर्टेन लेवल एंड देन पीपल लव यू वेरी मच. डोंट से दैट यार. देखिए, पीपल लव अस. नो, इवन नो, डोंट से दैट. पीपल लव, आई लव यू गाइस, ऑडियंस लव्स यू. डोंट से दैट. नो नो नो, व्हाई नॉट. अंग्रेजी जबान की अहमियत की बात हो रही थी मियां. हाँ, तो वो अंग्रेजी में बोल रहा हूँ. ये बिस्किट खाएं, आप खा सकते हैं. अंग्रेजी जबान बोल कर आए, खा सकते हैं ना. तुम मुझे चुप कराने के लिए सैंडविच मेरे मुंह में दे रहे हो? मैं तो चाहता हूँ जो गेस्ट है वो बोले ज्यादा. नहीं,
अच्छा कुछ तो खा लो। अच्छा खैर ठीक है, फिर ऐसा करो सकीना से बातें करो, मैं सैंडविच खाता हूं। नहीं प्लीज कहिए, आई हैव अ कुकी और समथिंग। हां ये मगर देखिए, आई लव यू गाइस सो मच, उठ उठ के आप लोगों की खिदमत कर रहा हूं। ये भी याद रखे ना कि इसमें ऐसे भी लोग हैं। ये भी याद रखेंगे। अच्छा आपको एक और चीज बताऊं, वैसे क्योंकि मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जैसे आपने बात किया ना कि एक शऊर इंसान में हो, किसी एक्टर में खुद भी अगर एक शऊर होता तो वो जिस तरह स्क्रिप्ट आप लोग मना कर देते हैं या नहीं करते, करके उसकी फिर बुराइयां करना उससे भी बुरी बात है। जैसे मैंने उडारी एक ड्रामा किया और वो बड़ा पॉपुलर हुआ, एक कॉज के लिए किया। एहतशाम भाई और मोमना ने मुझे, ये मोमना भाभी ने कहा कि एक कॉज के लिए करें, वो आज तक 2 साल हो चुके हैं उसको, लोग आज तक उससे मुझे याद करते हैं और अब इस शो से भी, थैंक यू वेरी मच, पीपल आर लविंग द शो। बट उसके बाद मुझे उस तरह के दो मिनिमम, कम से कम 2 स्क्रिप्ट आए जिसमें ये था कि बच्ची या किसी बच्चे या उसी की कहानी पे, रेप पे, वो जो आपने बोला, तो मैंने यही करके मना किया कि मुझे इसको आम नहीं करना और मैं बार बार एक चीज़ को सेंसेशनलाइज नहीं करूँगा कि अब इसको मैं यू नो यूज़ करूँ एक नेगेटिव, हालांकि आई कुड हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी थ्रू डूइंग दोस प्लेज ऑल्सो, बट एक आर्टिस्ट की भी जिम्मेदारी होती है ना। तो इस फील्ड में जब जिम्मेदार भूखे मर जाएं, नहीं भूखे नहीं मरते हम तो। सकीना क्या कह रही हैं आपसे? नहीं यही बात तो समझा रही है, कंपनसेशन होती है काम। नहीं कंपनसेशन देखो भाई, मुझे काम की ऑफर होती है, ठीक है, चाहे चौथी मरना हो आठवीं मरना हो, पैसे तो मिलेंगे ना भाई, पीछे से हाथ हिला के भी गुजरने को तैयार हूं मैं, एज लॉन्ग एज आई एम अर्निंग। इतने एड्स कर रहे होते हैं, हर एड में एक इमोशनल से अब्बा बने होते हैं। अभी आ रहा है एक बच्ची, कितने एड्स कर दिए ये चले, थैंक्स टू केक कम से कम। हां केक के बाद, हां वैसे बट केक वाज अ वंडरफुल फिल्म, इट वाज अ ब्यूटीफुल, आई लव द फिल्म बाय द वे, बिल्कुल बिल्कुल, या इट वाज, आई फर्मली बिलीव, मैं तो लंदन में सिनेमा में देखी। यस इट वाज। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि एक्टिंग में इंस्पिरेशन किससे लेती हैं आप, अगर कभी सोचे कि यार ये वाला एक्टर जो है इससे मुझे इंस्पायर बहुत किया है इसने। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो ईरान के भी हैं, जो स्वीडन के भी हैं, जो रशिया के भी हैं, क्योंकि सारी पैरेलल जिस सिनेमा को कह रहे हैं ना, उस सारी पैरेलल सिनेमा को जो है वो खंगाला हुआ है, लेकिन यूरोपियन सिनेमा को लेके जो ईरानी, जिसको ईरानी फिल्मों का बताती हैं और फिर मुझे दिखाई, इसलिए कि दे आर ऑल अबाउट ह्यूमन। इन्होंने मुझे एक बॉक्स भेजा, मैं बता, शी सेंट मी अ बॉक्स व्हिच वाज फुल ऑफ डीवीडीज एंड आई वॉच सच lovely films from acha usme se dekhi hain, yes 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 of course, so they are all about humans regardless ke wo kahan ke hain, kidhar hain, aap relate kar sakte hain aisi kahaniyan, main to is qisam ki kahaniyan banati rahungi kyunki entertainment wala entertainment bhi definitely hogi, lekin ye hai ke aapko mujhe na ye bahut achhi lagti hai, main ye honestly keh raha hu ki she is you know her mind her brain and the way she connects clear, totally clear, focused, I really like you. मतलब वो तो हमारी एक ऐसा है कि आप कहीं हैं, मैं मतलब मैं बाद में आया हूँ और but I really like you a lot. ये बहुत, लेकिन ये ना कि ये जो इस हमारे जैसे एक्टर्स टेलीविजन को नहीं चाहिए। I know. Thank you. You know I love you. Yeah, of course. हम इतने फ्रेंड्स हैं कि मैंने कहा कभी भी मैं लड़ती भी हूँ एसन से और 6-6 महीने बाद भी नहीं करूंगी, लेकिन जब बात करूंगी तो मैं कहूंगी डोंट गेट अपसेट। लेकिन यह है कि एसन की मैंने ये बात रखी है कि एसन जो है ना, अगर कुछ झगड़ा हो रहा होगा तो एसन चिंगारी देने वालों में से नहीं है, बल्कि सिचुएशन को डिफ्यूज करने वालों में से है, क्योंकि बड़े का यही काम होता है कि आप सिचुएशन को डिफ्यूज करें, उसको एस्केलेट ना करें। आप उम्र में बड़ा कह रही हैं यार। नहीं नहीं मतलब बड़ा है समरा बड़ा नहीं नहीं उम्र में भी खेल नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये जो है दोस्तों का दोस्त है, कि अगर आपको वो 4 बजे भी रात को जो है ज़रूरत पड़ जाए कि ऐसा ये काम है या ये कुछ है तो ही विल बी देयर फॉर यू। फोन नंबर दे देना मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप देखिएगा, क्योंकि इज रियली और इंसानियत है, ठीक है इसको जो, और इसलिए अल्लाह ताला माँ की दुआएं हैं, जैसे मैं नदीम बेग को कहती हूँ हमेशा कि नदीम बेग को अपनी माँ की दुआएं हैं, क्योंकि वो अपनी माँ की क्या कहते हैं वर्शिप करता है अल्लाह के बाद। तो ये सब कोई नदीम ने कोई कमाल नहीं करती हैं या कोई सुरखाब के पर नहीं है गोल्ड के जो उसकी फिल्मों में या उसके ड्रामों में लगे हुए हैं, लेकिन ये है कि ठीक है अच्छा काम है, लेकिन माँ की दुआएं हैं उसके साथ, सही, मिलियंस मिलियंस, और तुम्हारे साथ भी माँ की दुआएं। बिल्कुल है बिल्कुल, आई एग्री। अच्छा उन एक्टर्स के बारे में क्या कहेंगे जो मिसबिहेव करते हैं सेट पर लोगों के साथ, क्रू के साथ, सीनियर्स भी होते हैं, मैंने सीनियर्स को भी देखा कि बहुत ज़्यादा डांट दिया बेचारे एक। अच्छा उसमें यूँ है, ऐसे बास दफा तो यूँ होता है कि वो जो वजह जिस पे वो इतना गुस्सा कर रहा है एक्टर, वो जाना नहीं जाता, पता नहीं किया जाता कि इतना दीवाना क्यों हो गया बेचारा या उस लेवल पे कैसे आ गया कि चीख ही पड़ा। ठीक है
کیونکہ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے سارے ایکٹرز ایسے نہیں ہوتے. نہیں سارے ایسے ہیں بٹ سم آف دیم آر سم آف دیم آر اینڈ سم آف دیم جو آپ کہہ رہے ہو وہ زیادہ تر ینگسٹرز ہیں. ٹھیک ہے کیونکہ ان کا مقصد کچھ اور ہے. پرانے بھی ہیں مگر پرانوں میں اکا دکا ہی ہیں جن حضرات کا آپ کے ہیں اکا دکا ہی ہیں مگر یہ بچے بچیاں جو ہیں کہ طبیعت جلدی تو چاہتا مار دیا. As an actor or as a person, we should treat other people like equally. Yeah, respect. اور دنیا میں کہیں پہ بھی اگر امپلائی چاہے وہ اسپاٹ پہ ہے چاہے وہ کپڑے استری کر رہا ہے آپ کسی کو بلا وجہ بھی ہو تو یو کانٹ بی لاؤڈ یو ہیو ٹو کمپلین تھرو سم بڈی یو کانٹ جسٹ اسٹارٹ شاؤٹنگ. میں نے دیکھا یہ بہت زیادہ پاکستان میں ہمارے یہ بھی تو ہے نا چیزیں کہ بہت سے ایکٹرز بھی اٹس ناٹ جسٹ دا پروڈکشن ہاؤزز ہو آر رانگ ایون دی ایکٹرز ایٹ ٹائم پہ نہیں آئیں گے ایکٹرز تو پروڈکشن ہاؤزز بھی اس طرح ہی ڈیل کرتے ہیں. یہ بھی تو چیزیں پھر سب کو مل کے ہی اچھا کرنا ہے کام. اسی لیے تو انڈیپینڈنٹ پروڈیوسر مر گیا نا کیونکہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا اس قسم کی چیزیں. اب وہ چینل جانے اور وہ جانے. ٹھیک ہے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں تو مطلب میں بھول گیا کہ مجھے بریک لینا ہے. چھوٹا سا بریک لیں گے. میرے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے بول نائٹس ود احسن خان. جناب ویلکم بیک بال نائٹس ود احسن خان. آپ دیکھ رہے ہیں محمد احمد صاحب اور سکینہ سمو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایسی سی باتیں ہوئی ہیں اور بریک میں پتہ ہے کیا بول رہے تھے محمد احمد صاحب؟ کٹ جائیں گی باتیں. میں نے کہا ہم نہیں کاٹیں گے, ایک آدھی تو کاٹ سکتے ہیں نا. ہاں ایک آدھی ساری کاٹ دیں. نہیں ایک آدھی کاٹیں گے. مشکوک ہو رہا ہے. نہیں مشکوک کچھ نہیں ہے. آئی جسٹ ون فیلز دا وے دے وانٹ ٹو ایکسپریس اٹ. اٹس اوکے. اینڈ یو ڈیڈنٹ پن پوائنٹ ایٹ ویل یو ڈیڈ. It's okay, کوئی بات نہیں. اچھا ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ڈم شریڈ سارٹ ہے, بڑا مزے کا. یہ میرا فیورٹ ہے کیونکہ لوگ بھی بہت انجوائے کرتے ہیں. تو آپ دونوں میں سے پہلے کون جانا چاہے گا؟ اچھا وہ کیوں کیوں کیا کرنا چاہیے؟ میں دیکھ لوں نا کہ کیا ہوتا ہے. آپ نے یہ پہلے گیم کھیلی بھی ہے؟ انہوں نے نہیں کھیلی بھی. چلے آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ادھر آئیں نمبر چوز کریں محمد احمد صاحب. کون سا نمبر آپ چاہیں گے کہ سکینہ کے لیے؟ اچھا 3 اوکے. آئی ول ہیلپ یو نا. میں تو گلاسز پہ گلاسز لگاؤں پھر نہیں. اوکے میں بول دوں کان میں. اور یہ محاورے ہیں؟ یہ محاورہ ہے. یہ اچھا بتا دیں محاورہ ہے گانا ہے یہ تو بتا. نہیں محاورہ ہے. محاورہ ہے ٹھیک ہے. یہ کیا ہے اشارہ؟ یہ کیا ہے؟ آبیل مجھے مار. یہ کیسے آپ نے بتایا یار؟ انہوں نے بیل کا اشارہ بھی نہیں کیا. نہیں انہوں نے جب کہا نا ادھر اور یہ دیکھا نا رائٹر کا دماغ پھر ایکٹر کا دماغ. اچھا ہاں جی واپس رکھیں اس کو. اگلا نمبر چوز کریں. اب میں ہیلپ نہیں کروں گا آپ کی. او مائی گاڈ. نہیں پڑھ کے بتا دوں گا آپ کو. نمبر چوز کریں محمد احمد صاحب. 9. نمبر 9. اب از اٹ اے سانگ اور از اٹ اے محاورہ؟ واٹ از اٹ؟ اٹس اے سانگ. اٹس اے سانگ. اب آئے گا نا مزہ. آتا ہوگا, بڑا سنتے ہوں گے یہ. میں پرانی فلم میں جیسے کرتے تھے نا وہ. ہاں اس کو واپس رکھ دیں. اس کو واپس رکھ دیں. اور یہ پرانی فلم کا بھی یہ تو بول دیا انہوں نے. اچھا اب یہ کیا کر رہی ہیں آپ یہ بتائیں مجھے. یہ میرے خیال میں تو انتظار کر رہی ہیں. بے قراری ہے. ناراض ہو گئی ہیں. ہاں ناراض ہے. روٹھی بھی ہے. روٹ لفظ ہے. روٹھے ہو تم. تم کو کیسے مانا؟ نہیں نہیں اس طرح کا ایک اور کوئی. اتنی دیکھیے وہ روٹ کے آپ کو بتا رہی ہے. آپ کو سمجھ کیوں نہیں؟ روٹ کے منا رہی ہیں. بتا رہی ہیں کچھ. بتا رہی ہیں کہ میں روٹھی ہوئی ہوں. ہاں ایسا کون سا گانا ہے جسے بتا رہی ہے کہ میں روٹھی ہوئی ہوں؟ لوگ. اس میں لوگ بھی آتا ہے لفظ. کچھ لوگ روٹ کر بھی لگتے ہیں پیارے. پکڑ ذرا گانا تو سنائے. دلیب. اچھا نیکسٹ ایک اور چوز کریں جی. نمبر 7. نمبر 7. Is it a song?
उसको तो तख्ती को वापस लगा दे। लवली सॉन्ग। कपड़े कपड़े हाँ कुछ कमीज कमीज हाँ कमीज तेरी काली विसोड़े फुलना वाली। यस यार ये फौरन पकड़ लेते हैं। ये सोच रहा हूँ उन्हें काली की नहीं पहना होता इस वक्त तो फिर क्या करता। फिर क्या करते हैं। हाँ नहीं फिर मैं इशारा करती हूँ जैकेट की तरफ। टी शर्ट ये कहना कहीं आएंगे आए आपके तीन हो गए हैं अब आपकी बारी है। अब आपको पता लग गया क्या करना है। हाँ, पता लग गया इतने आप मासूम बाकी में बैठे हुए थे। ये इशारा करते हैं। ओके हम नंबर चूज करें नंबर टू। नंबर हसन कह रहा है नंबर टू। ये वही है जिसमें ये हंस रहा था। ये नहीं अ सॉन्ग। इज इट अ सॉन्ग। जी बिल्कुल सॉन्ग। इट्स लाइक अ फिल्म का गाना। इज इट अबाउट पुराना। नहीं पुराना? It's not a film song. Pop song है ना? हाँ folk है। Pop song। हैं? इसका क्या पंजाबी गाना? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है इसमें? आज बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। मैंने देखा भी, मैंने सुना भी नहीं। कमीज। बाल। कलर, कलर। कलर अच्छा काला, काला। The same कमीज मेरी काली। नहीं। नहीं नहीं आई थिंक ईसा खैलवी का ये है कमीज का। भैया इज्जत रख लो मेरी। फूल फूल वाली फूल फूल। तालियां बजा के। काला 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 जोड़ा। काला जोड़ा ते काला जोड़ा ते 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 चादर। I can't, I pass, I pass. बोल क्या गाना जरा चलाए। मैंने आज कर दिया। अच्छा गाना है। काला कर दिया, मैंने जोड़ा कर दिया, पहन भी लिया, फिर भी ना समझी। वैसे आपने पहना नहीं था यार। पहना 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 नहीं पूरा यूं करके पहना। आस्तीने भी डाली। I love that song। मैं अपनी फिल्म में चलाया, अपने ड्रामा ड्रामे में। ओके चलो जी नेक्स्ट नंबर चूज करें। अल्लाह मियां कोई मुहावरा दे दे। मुहावरा मुहावरा जी आ गया। मुहावरा हाँ। बगल में बच्चा शहर में ढंढोरा। यस अच्छा ढंढोरा का तो बड़ा एक्शन भी मारा। वेरी गुड यार। और दैट वाज क्विक। वेरी गुड। एक और ओके थ्री कर लिया था हमने। नहीं ओके टेन टेन नंबर टेन। ऐसा एक्सप्रेशन आया है कि अब क्या करूंगा जो हमारी आइडियोलॉजीज के खिलाफ है शायद। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। बताना मुश्किल है बहुत। अच्छा भाई ये क्या है? ये बेइंसाफी है यार मेरे बारे में। मुश्किल मुश्किल उनके बारे में आसान आसान। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अब तुम के बन के दिखाऊंगी मैं क्या क्या क्या। ये तो मुझे नहीं पता क्या करेंगे। डूबते को तिनके का सहारा। नहीं नहीं भाई ये दूध दूध निकाल रहे। देखे मैंने बोल दिया दूध दूध ठीक है। ये देखे कर लिया उन्होंने। इतना आसान है दूध निकालना। क्या है दूध? आगे भी तो है ना एक दूध का चला। नहीं, नहीं। हाँ वो भी ये भी है। हाँ। दूध ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है आप बताए। और तो कुछ नहीं हो सकता। जानवर की आवाज निकाल सकते। जानवर निकाल नहीं। बिल्ली। हाँ। अब दूध और बिल्ली का क्या हो? दूध और बिल्ली का मुहावरा नहीं मुझे पता। हाँ यही है भाई। अब क्या करें? दो चीजें तो हो गई। एक आध और बता दो। चौकीदार। दूध चौकीदार। दूध की आप सोच रहे भैया अल्लाह के वास्ते। म्याऊ।
अब तो मैं चार पांव से चल के वहां आ जाऊंगा। क्या कर रहे हैं बिल्ली का, क्या कर रहे हैं यार? बिल्ली कौन सी? नहीं क्या है वो? सयामीज है बिल्ली। सात बिल्लियां पता नहीं क्या कहते। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई सारे तो बता दिए उसने। बिल्ली हो गई, हाँ, चौकीदार बता दिया उसने, यानी रखवाली भी हो गई, हाँ, और दूध भी हो गया। नहीं ये मुहावरा कम ये मुहावरा फ्रेज कम सुना है। दूध की रखवाली बिल्ली करे पर बिल्ली को बिठाना। हाँ अच्छा। आपने बैठ के तो दिखाया नहीं, फिर वो कैसे? नहीं नहीं नहीं, कहाँ लिखा है उस पे? लगाना लिखा हुआ है। अच्छा लगाना, दूध की रखवाली पर बिल्ली को लगाना। लगाना आपने सुना हुआ ये मुहावरा? ये ऐसे नहीं है मुहावरा, इट्स लाइक अ फ्रेज। दोनों जीत गए। नहीं अच्छी थी, मैंने पास नहीं किया ना एक। अच्छा एक ब्रेक लेते हैं और विल जस्ट कम बैक, देखते रहिए बॉल नाइट्स विद अहसन खान। जी वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अहमद और सकीना समा हमारे साथ मौजूद हैं। टाइम गुजर गया यार, आप लोगों के साथ बातों का पता नहीं चला। बहुत बोलते हैं आप दोनों। नहीं आप कम बोलती, वैसे मैंने नोटिस किया आपने बहुत बोला आज। मेरा दिल तो ज्यादा भरा हुआ है। मुझे अच्छा लगा। नहीं नहीं नो, आई वॉन्टेड यू स्पीक मोर। मैं तो कहता हूँ एक और शो करेंगे आप लोगों के साथ। आई टॉक टू मच। नो नहीं, हम आएंगे अपनी फिल्म के कास्ट के साथ। बिल्कुल सही है, व्हाई नॉट एनी टाइम। एंड Thank you for being here, यार. Thank you both of you. आप दोनों का शुक्रिया. Thank you for having us here. नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा आप आएं. Thank you. और बस ऐसे ना आखिर में मैं एक बात कहनी चाह रहा हूँ, वो ये कि हम सौतेले नहीं हैं, शो बिजनेस या फिल्म इंडस्ट्री या टेलीविजन, हम सौतेले नहीं हैं। हमको भी गवर्नमेंट की उतनी ही सपोर्ट की जरूरत है जिस तरह दूसरे इदारों को। सही। सो तो वो जो चाहिए अब इस तरफ कोई ज्यादा चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, खासतौर पे सिनेमा को बहुत चाहिए ताकि ये जो छोटे बच्चे बच्चियां पढ़ के निकल रहे हैं यूनिवर्सिटीज के, पाँच पाँच दस दस मिनट की फिल्में बनाकर फेस्टिवल एक किया जा सकता है। उसको तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। नहीं है बिल्कुल। एक फेस्टिवल इन बच्चे बच्चियों के लिए होना जरूरी है जो ये फिल्म पढ़ के बाहर निकल रहे हैं। ठीक है बिल्कुल सही। फिल्म फेस्टिवल पाकिस्तान में होना चाहिए। सोशल मीडिया के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप जो आजकल? देखिए सोशल मीडिया जो है मेरे ख्याल में वो एक डाइजेस्ट है। आपका दिल चाहता है पढ़िए, नहीं दिल चाहता मत पढ़िए। बजाय ये कि आप उसको पढ़ने के बाद गालियां देते रहें, बिल्कुल, तो कोई फायदा नहीं है। आपका दिल नहीं चाहता, आपको बुरा लगता है, मत पढ़िए। सही बात। इसी तरह यूट्यूब पे भी आप जो चीजें देख रहे हैं, लोगों की तकरीरें या लोगों के फलसफे, अगर आप उनसे एग्री नहीं करते तो आप मत देखिए। बहुत ईजी है, उसके ऊपर एक बटन है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगी जाते जाते? मैं सिर्फ ये कहूँगी कि टेलीविज़न में तो खैर इनक्रेज नहीं किया गया प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को, लेकिन यह है कि सिनेमा में किया जाए। फिल्म में डिफरेंट लोग अगर बाहर से आते हैं और फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, उनको इनक्रेज किया जाए, ना कि सिर्फ चैनल्स वाले ज़रूर बनाएं। लेकिन यह है कि ये तो वही बात होगी कि रिच इज़ गेटिंग रिच 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 एंड पुअर इज़ गेटिंग पुअरर पुअरर पुअरर, और बीच में जो लोग हैं वो सारे मारे जा रहे हैं। तो वो इस तरह नहीं होना चाहिए, ना इंसाफी, आई मीन इट्स नॉट फेयर कि और बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, अच्छा अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको भी इशारा मेरी तरफ किया वैसे उन्होंने, या इनकरेज, हाँ कर रहे हैं आप, और उनको इनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए। जैसे टेलीविजन में डिस्करेज किया गया है, इस तरह सिनेमा का ये हाल ना करें। आपको वैरायटी देखने में मिलेगी अगर आप दूसरे लोगों को इनकरेज करेंगे, बाहर के लोगों को। सही है। या तो सिर्फ एक ही टाइप की अगर फिल्म देखना चाहते हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट है, जरूर करें। लेकिन देखें ना, हम चार लोग हैं ना, हम चार, हम तीन लोग हैं, तीनों फिल्म बनाएंगे, अलग अलग फिल्म होगी, जाहिर है, अलग विजुअल, अलग कि आपने ऑडियंस को जो देखने वाला होगा उसको मजा आएगा। इनकी अपनी होगी, आपकी अपनी होगी, क्योंकि तीनों विजन, चार बहन भाई होते हैं, तीनों चारों के विजन अलग होते हैं। बिल्कुल। अपब्रिंगिंग बिल्कुल एक जैसी होती है, लेकिन विजन अल्लाह की तरफ से वो डिफरेंट लाए हैं, क्योंकि दे आर इंडिविजुअल्स। बिल्कुल। तो वो आप दूसरे का नहीं, ये नहीं कि एक ही बस चला है ट्रेंड तो उस ट्रेंड को फॉलो करें। आप फॉलो करें, लेकिन दूसरे लोगों को भी इनकरेज करें जो टैलेंटेड लोग हैं, आप उनके टैलेंट को ना रोकें। बिल्कुल सही है। आप जब यूरोप शिफ्ट हो गई थी, आपने वहां जाके पढ़ा भी? जी हाँ, बहुत पढ़ा है, लेकिन बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उस पर मिसाल देती हूँ, पता है क्यों?
کیونکہ میری بیٹی جب کیمبرج سے نکلی نا کنگس کالج سے فلاسفی کر کے, تو میں نے اسے پوچھا کہ اس نے ٹویٹر کا اکاؤنٹ تھا, یہاں پہ تو لوگوں نے پتہ نہیں جو فلم میکر رہی ہیں انہوں نے بھی فلم میکر لکھا ہوا ہے, یہاں پہ یہ حال ہے لوگوں کا. تو میں نے کہا, میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بیٹا تم اتنی پڑھی لکھی ہو, یہ کیا ہوا ہے, تم کیوں نہیں کیمبرج کا اور یہ کنگس کالج کا یہ سارا کچھ لکھتی ہو؟ اس نے پتہ کیا جواب دیا, میں تھا آئی ایم پراؤڈ آف ہر. تو وہ اس نے کہا امی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شو آن پیپلز فیس, لک ایٹ می, آئی ایم کیمبرج گرل. ہاں نہیں, آپ کے بارے میں نے اس لیے پوچھا, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کے بارے میں پوچھا میں نے اس لیے کہ آپ یہاں سے وہاں گئے, آپ کو معلوم ہے, آپ کو معلوم ہے, یو لرنڈ ا لٹ, آئی ہیو بیکاز پوری دنیا دیکھی ہے, پڑھا ہے, لکھا ہے, بچوں کے ساتھ بھی پورا ایکسپوجر, اور جو ایج ہوتی ہے آپ کو اور ایکسپوجر وزڈم دیتا ہے. بالکل ہمیں اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے آئی فیل کہ ہمیں جیسے آؤٹ سائڈر سمجھا جاتا ہے, یہاں شروع سے لے کے شو بزنس میں. آپ ٹھیک ہے پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے, میں وہ نہیں کر رہی ہوں کہ میں کوئی وہ ہوں, آپ ان کو وہ کریں, لیکن یہ ہے کہ اگر جو لوکل لوگ ہیں آپ ان کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے دے آر لیس ٹیلنٹڈ اینڈ لیس کیا کہتے ہیں ڈیزرونگ, تو وہ یو فیل لائک آؤٹ سائڈر, آپ اپنے ہی جگہ پہ آپ ایلین سمجھتے ہیں. آئی فیل لائک این ایلین جب مجھے کوئی کاسٹ کرتا ہے, تو میں کہتی ہوں یا اللہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ پروین شاکر کی بات مجھے یاد آ جاتی ہے کہ یا تو یہ میرا سیارہ نہیں ہے یا تو پھر میں ان میں سے نہیں. اس کی ایک نظم ہے جو آخر میں یاد آتا ہے, تو مطلب ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کو یا فیل کروایا جاتا ہے, میری امیجنیشن نہیں ہو سکتی یہ اپنا ایسا. تو میں نے کہا یہ آپ کو فیل کروایا جاتا ہے کیا کہ مطلب اگر کہ او آپ کو سندھی ڈراموں میں دیکھا تھا, میں نے کہا آئی ایم سوری میں نے اردو ڈرامے کیے ہیں, سندھی کے دو تین ڈرامے کیے ہوں گے, یہ نہیں آپ کو وہ تھی. میں نے کہا ہم تو کسی پنجابی کو دیکھ کے نہیں کہتے, آپ کے میں نے پنجابی ڈرامے دیکھے تھے, آپ کے میں نے پنجابی فلم دیکھی تھی. میں نے اس قسم کی تو بڑی, آپ یہ بتائیے سندھی ایکٹرز آپ کی جو اتنے ٹیلنٹڈ ہیں, جو کلچر ہے, آپ کے جو روٹس ہیں, اس کو تو کبھی بھولنا چاہیے بھی نہیں. نہیں 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 بھولنا چاہیے, نہیں بھولنا نہیں چاہیے, میں کہہ رہی ہوں آپ کو پن پوائنٹ کیا جاتا ہے کہ یو آر لیس ٹیلنٹڈ, دیٹ شڈنٹ ہیپن, او لیس ورتھی, یو ناٹ, اینڈ یو آر سپر ٹیلنٹڈ سکینہ سمو, نہیں میرے علاوہ بھی اور بھی, بیکاز سکینہ سمو کا نام جی یا ان کا تجربہ یا ان کی اداکاری اتنی اسٹرانگ ہے بہت کہ آپ کو اس وجہ سے لیا جاتا ہے. یہ غلط سوچ رہی ہیں, یہ غلط سوچ رہی ہیں, نہیں ہمیں فائٹ کرنی پڑی اس کے لیے. نہیں نہیں نہیں, ہمیں فائٹ برلینٹ ان یور ورک اینڈ یو سٹینڈ آؤٹ, ہمیں فائٹ کرنی پڑی اینڈ یو سٹل ڈوئنگ اٹ اینڈ اٹس سٹل. نہیں یہ پتہ نہیں کیوں آپ کو یہ غلط فہمی ہو رہی ہے. کتنی لمبی باتیں ہو جائیں گی, میرے پروڈیوسر مجھے کہہ رہے ہیں شو ختم ہو چکا ہے, آپ آگے بڑھیں. تھینک یو سو مچ, لو یو ویری مچ, تھینک یو فار بینگ ہیئر, لو یو, آل دی لک ٹو یو, آل دی لک ٹو یو, مے یو ہیو اے ونڈرفل لائف, ہیلدی لائف اور گریٹ ورک, ہم اس طرح آپ لوگوں کا کام دیکھتے ہیں. تھینک یو جناب, ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اس شو کا تو بہت ہی فیڈ بیک آنے والا ہے مجھے پتا ہے, کیونکہ کافی لمبی اچھی باتیں ہوئی ہیں. تو اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ.